शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी नवल किशोर शाह की माता स्वर्गीय ओमलता शाह की 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गरीब और असहायों को कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन एमपी इंटर कॉलेज के प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गोरक्ष पीठाधीश्वर व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, नवल किशोर शाह, दामोदर शाह सहित शाह परिवार के अन्य सदस्य और प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा स्वर्गीय ओमलता शाह के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया गया। तत्पश्चात आयोजकों द्वारा अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र से किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 गरीबों को कंबल और स्कूली बच्चों को स्वेटर देकर कंबल वितरण का शुभारंभ किया। उसके बाद सैकड़ों गरीबों, मजलूमों और असहायों को दामोदर शाह, नवल किशोर शाह द्वारा कंबल और प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में गोरक्ष पीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शाह परिवार विगत 13 वर्षों से स्वर्गीय ओमलता देवी शाह की पुण्यतिथि पर गरीब, असहाय व जरूरतमंदों में गर्म व ऊनी कपड़े का वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों में जरूरत की सामानों को वितरण करना पुनीत कार्य है। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म का आधार भी दया व दान है, दोनों साथ साथ चलते हैं। जरूरतमंदों को आवश्यकता के लिए उसके अनुरूप सक्षम लोगों को आगे आना चाहिए। ऐसे लोगों को, जरूरतमंदों और गरीबों को मदद करनी चाहिए ताकि हमारा समाज आगे बढ़े और राम राज्य की कल्पना पूरी हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के आयोजक नवल किशोर शाह ने कहा, हमारे बीच में एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान लिए, जो खेल गए तारों पे, जो खेल गए तारों पे, श्री राम के लिए एक बार तो हाथ उठा दो हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ बुला दो मेरे हनुमान के लिए। धरती पर प्रश्न उठाया, जीव जीना इसने प्रभु राम का दर्श कराया, जीव जीना इसने प्रभु राम का दर्श कराया, इस धर्म के महान के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, श्री राम के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। माताएं एवं बहने इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। कहानी हमारे देश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में पधार चुके हैं, तो और गायक, कलाकार एवं अन्य सभी की ओर से आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। चूंकि महाराज जी का अनेकानेक कार्यक्रम लगा हुआ है, शाह परिवार पर महाराज जी का आशीर्वाद सदैव से बना रहता है, आज भी आप उसी क्रम में आप यहाँ पधारे हैं। हम आपका स्वागत करते हुए आपसे आग्रह करते हैं कि स्वर्गीय ओमलता देवी शाह एवं स्वर्गीय परमानंद जी शाह की चित्र पर
पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की हमें अनुमति प्रदान करें। पूज्य महाराज जी। उनके साथ सभी अतिथिगण ने भी पुष्पांजलि अर्पित किया कर सम्मानित कर। श्री विनोद जी शाह से आग्रह है कि महाराज जी को पगड़ी से विभूषित करें। पगड़ी पहनाकर हमारे मुख्यमंत्री जी का सम्मान और आप सभी करतल ध्वनि से हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। श्री शंभू जी शाह ने महाराज जी का स्वागत। शाह परिवार के अन्य सदस्यों से अनुरोध है कि मंचासीन विशिष्ट जन सांसद विधायक पूर्व महापौर महापौर एवं अन्य अतिथियों का अंग वस्त्र प्रदान कर और स्मृति चिन्ह कुनबी को धन्य कर। क्या कहें, विविध गुणों की वैसी यह संतान अपनी माता जी। आदरणीय मंच सेवा नारायण सेवा के कार्य में लगा मित्रों, महाराज जी के बारे में कुछ बोलना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, लेकिन आज मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी एक स्वप्न दस्ता है। जब आप दायित्व संभाले थे तो अनेकानेक चुनौतियां प्रदेश में मुंह आए खड़ी थी, लेकिन आप अपनी दूरदर्शिता स्पष्टवादिता सक्रियता और ईमानदार पहल से सुशासन की ऐसी लकीर खींची है कि पूरे देश में आपकी कार्यप्रणाली की नजीर मानी जा रही है। अब आपको देश की बागडोर संभालने वाले नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा जाने लगा है। मैं जानता हूँ आप ऐसा भारत चाहते हैं जहाँ हर बच्चे की अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य शोषण पोषण और आवास तक पहुँच हो। ऐसा भारत चाहते हैं जहाँ किसी भी वर्ग धर्म और जाति से संबंध रखने वाले बच्चे को विश्वास हो कि अगर वो ईमानदार और मेहनती है तो उसका भविष्य उज्ज्वल है। आप चाहते हैं ऐसा भारत जिसे पूरा संसार के हर मंच का सम्मान प्राप्त हो, क्योंकि आपका काम अच्छा है, शांतिप्रिय है, आप अच्छे मेजबान हैं, न्याय संगत हैं, बहुलवादी और हर मत का आदर करने वाले भरोसेमंद नेतृत्व करता है। संरक्षक कालीबाड़ी के वयोवृद्ध महंत प्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी, मंच पर उपस्थित हमारे विधायक गण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, श्रीमती संगीता यादव जी, त्या पांडे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित शाह परिवार के श्री विनोद शाह जी, श्याम जी शाह जी, पवन शाह जी, नवल शाह जी, शंभू शाह जी, संजय शाह जी और शाह परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, इतनी भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, श्रीमती ओमलता देवी शाह जी की स्मृति में विगत 12-13 वर्षों से शाह परिवार दीन दुखियों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित करता है और आज का ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं इसके लिए शाह परिवार को हृदय से बधाई देते हुए श्रीमती ओमलता देवी शाह जी की इस स्मृतियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वास्तव में अपने पूर्वजों को व्यक्ति स्मरण करता है, लेकिन तब तक जब तक कि उनका उनसे वास्ता रहता है, उनके जाने के बाद एक बार दो बार भले लोग याद कर पाते हैं लेकिन एक समय के बाद उसको विस्मृत कर देते हैं। श्री नवल शाह जी ने पिछले 12-13 वर्षों से अनवरत सिलसिला बनाया हुआ है और 3 जनवरी की तिथि को तो हजारों की संख्या में आने वाले जो दीन दुखी हैं समाज के एक व तब का
जिसे इस बात का आस रहता है कि इस भीषण शीतलहरी में उसे एक कंबल कहीं से मिले सम्मान स्वरूप, और वह यह परिवार प्रतिवर्ष दिलाता रहा है। यह सेवा वास्तव में नरसेवा नारायण सेवा है, और पता नहीं कौन किस रूप में सेवा का लाभ ले। हर समाज के हर व्यक्ति को इस दायित्व निभाना चाहिए। अगर उसको ईश्वर ने उसके पुरुषार्थ से कुछ दिया है तो उसे धर्मार्थ कार्यों में इस प्रकार के सेवा के प्रकल्प के साथ जोड़ना चाहिए, जैसा सा परिवार 3 जनवरी को यहाँ पर आयोजित कर रहा है। अगर हर एक व्यक्ति इस भाव के साथ समाज के अंदर काम करने लग जाए तो कहीं फिर अभाव नहीं होगा, किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। समाज में सर्वत्र सद्भाव और सौहार्द का माहौल होगा, और लोगों की खुशहाली के साथ हर एक चेहरे पर खुशहाली होती हुई दिखाई देगी, जो अंततः समाज और राष्ट्र की खुशहाली और उसके सशक्तिकरण की ओर हमें लेके जाएगा। श्रीमती ओमलता देवी शाह जी को मैंने उनके सेवा कार्यों के माध्यम से बहुत नजदीक से देखा था, और श्री परमानंद शाह जी ने सदैव उनके धार्मिक कार्य के साथ सहभागी बनकर के अपने व्यवसाय के साथ साथ धर्मार्थ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है कार्य करती रही, और आज गोरखपुर में यह सिलसिला पिछले 12-15 वर्षों से निरंतर चल रहा है। क्योंकि 2007 के पहले श्रीमती ओमलता देवी शाह स्वयं इस काम को करती थी, और उसके बाद इस कार्य को कुछ वर्षों तक श्री परमानंद शाह जी ने और के मार्गदर्शन में श्री नवल शाह जी, श्री शंभु शाह जी, श्री संजय शाह आदि ने आगे बढ़ाया, और आज श्री परमानंद शाह जी के न रहने के बाद उनके पुत्र इस पवित्र धर्मार्थ कार्य को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस अवसर पर शाह परिवार को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस प्रकार के धार्मिक कार्यों के साथ, धर्मार्थ कार्यों के साथ जुड़ करके जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए निरंतर परिवार कार्य करता रहे, इस विश्वास के साथ मैं आप सब के प्रति हृदय से इस वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मकर संक्रांति की अग्रिम शुभकामनाएं आप सब के प्रति व्यक्त करता हूं, और श्रीमती ओम लता देवी शाह जी की स्मृतियों को अपनी ओर से, गोरखपुरवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना भी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। गणेश दास जी, केशवर दास जी, संतराजी देवी, राधिका देवी एवं माया देवी को गर्म वस्त्र प्रदान कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। माननीय महाराज जी, हेलो, प्रतीक स्वरूप साधु संतों को अंगवस्त्र महाराज जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, और इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा महाराज जी से कि बच्चों को स्वेटर प्रदान करें। मैं नाम ले रहा हूं, वे बच्चे मंच पर आ जाएं। किशन गुप्ता, दिलीप ठाकुर, ऋषभ यादव, सचिन निषाद, आकाश निषाद, विकास निषाद, आज का यह सेवा समारोह इसी के साथ संपन्न हुआ, और आगे मैं जिला प्रसिद्ध जी शाह की स्मृति में सब लोग बैठ जाए। अभी लोग पोस्ट के रूप में सब साइड पे चले गए, कुछ साइड पे चले गए। रोक
हाँ इधर से इधर इधर आरती के पास इधर इधर मिलो तो सर चल 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 बढ़ते रहो बढ़ते रहो अरे यार अपने मत किसी को आगे ना उधर चल दीजिए अरे बाबा आओ आओ चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए माता जी की पुण्यतिथि पे कार्यक्रम हर साल होता आया है और ये 12-13 वर्षों से निरंतर चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में ये कार्यक्रम होता है और इसमें 3,000 से 4,000 लोगों को कंबल एवं प्रसाद वितरण होता है। क्या मकसद इस तरह का? इसका उद्देश्य केवल एक नर सेवा नारायण सेवा का है, बाकी और कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं। कितने लोगों को मिलता होगा? 3,000 से 4,000 लोगों को। कितने सालों से ये 12-13 साल से निरंतर चल रहा है और माता जी की कृपा रही तो आगे भी चलता रहेगा।